आलू से भरे ट्रक के लिए श्रापित पुलिया पर एक और आलू से भरा ट्रक पुलिया के नीचे गिर गया, जिसपे मौके पर चालक की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं परिचालक घायल अवस्था में इलाज करा रहा है। जानकारी के मुताबिक बटियागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत दमो छतरपुर हाईवे पर गेवलारी की पुलिया से एक आलू से भरा ट्रक नीचे गिर गया। जानकारी के अनुसार ट्रक क्रमांक RJ11GB6913 मैनपुरी यूपी से आलू लोड करके छत्तीसगढ़ रायपुर के लिए जा रहा था, जो पटियागढ़ के पास एक्सीडेंटल पॉइंट केवलारी की पुलिया पर अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गया। इसमें परिचालक गंभीर रूप से घायल हुआ और चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चालक बुरी तरह से ट्रक के नीचे दबा हुआ था, जिसे मौके पर पहुंची पटियागढ़ पुलिस के द्वारा JCB की मदद से एक घंटे के रेस्क्यू के बाद बाहर निकाला गया। मालूम हो कि यह पहला मामला नहीं है जब गेवलारी की इस पुलिया से आलू से भरे ट्रक गिरे हों, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। लगातार इस पुलिया से ट्रक गिर कर के हादसे का शिकार हो रहे हैं। अभी तक तो चालक परिचालक घायल होते थे, मामूली चोटिल होते थे, लेकिन इस मामले में चालक की मौत हो जाने का सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया है, तो वहीं परिचालक की इलाज कराया जा रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन का ध्यान ना दिया जाना बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब इस पुलिया पर इस तरह के लगातार हादसे हो रहे हैं, ट्रकों के नीचे गिरने का मामला सामने आ रहा है, तो यहाँ पर व्यापक व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। ऐसे में प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था बीते हुए घटनाक्रम के मामलों में ना लिए जाने के कारण एक बार फिर यह हादसा हुआ और उसमें चालक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं परिचालक इलाज करा रहा है। देखना होगा इस घटनाक्रम के बाद शासन प्रशासन किस तरह से इस मामले में उचित कार्रवाई करता है और घटनाक्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास करता है। एसएन न्यूज़ के लिए विनोद उदयनिया की रिपोर्ट। बक्सवाहा बटियागढ़ रोड में केवलारी पुलिया पे एक आलू का ट्रक पलट गया है, अनबैलेंस हो गया। इसमें दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति को पहले हमने निकाल लिया था, एक व्यक्ति जो फंसा हुआ था उसको JCB की सहायता से निकाला है। संभवतः उसकी डेथ हो गई है, अस्पताल भेजा है, डेड बॉडी अस्पताल भेजी है और हम ट्रक मालिक को फोन लगा दिया है, बाकी जाँच चल रही है। कहाँ से कहाँ जा रहा था सर? ये भी जानकारी नहीं है, लेकिन बक्सवाहा तरफ से आ रहा था, दमोह तरफ जा रहा था। रेस्क्यू कितने देर तक चला सर? लगभग एक घंटे वैसे चला है इसका, हम मतलब उसकी बॉडी निकाल लिया। ठीक। हाँ, ये ट्रक गिरा हुआ है, क्या जानकारी इसके बारे में? ये मैनपुरी से आ रहा था, बिलासपुर जा रहा था, आलू का ट्रक। इसमें दो लोग थे, एक स्पॉट पे बच गया है और एक को निकाल के अस्पताल पहुँचा दिया। एक अभी दबा है वाहन के नीचे, पुलिस की सहायता, आम जनता की सहायता से दोनों को बचाया जा रहा है। JCB की मदद से 1.5-2 घंटे रेव्यू चला है और आलू के लिए ये बहुत श्रापित पुलिया है। मौत किसकी हुई है? ड्राइवर की मौत हुई।